सरासर ना इंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया, कमाल ये है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए आप आपका सर सर मैं खत्म हो रहा है, एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को। सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी ना कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 और 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38-39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए, ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं सर। आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का। सर 1-2 मिनट और लूंगा, क्योंकि नहीं मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। आपका मैं तेल निकल चुका सर, बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की, मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं, अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई अपनी, वहां भी GST लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा, कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने सर एक मिनट दे दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर, ये है मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है, वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर, एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच एंड बींग रिच माई वर्च्यू देन शैल बी टू से देर इज नो वाइस बट बेगरी सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी गेन ही बी माई लॉर्ड फॉर आई वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि अश्योर करती हूं, मैं उनके अश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप, मैं भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गर एतिबार होता। जय हिंद सर।